है, लेट्स सी। एंड ये है मेरे सब्सक्राइबर्स। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? क्या आप लोग रेडी हो एक और राइड के लिए? अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से एंड जाना है थोड़ा ही दूर, पालघर जाना है। शॉर्ट ऑफ लाइक अ ब्रेकफास्ट राइड है। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स मुझे ज्वाइन करने वाले हैं और थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ, बट कोई बात नहीं, चलिए जाते हैं। वो लोग ऑलरेडी रुके हैं वहाँ पर, सो उनको मिलते हैं, फिर आगे अपना राइड कंटिन्यू करते हैं। गणपति बापा मौर्य। हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं कैडबरी के सिग्नल के यहाँ पर। यहाँ पे मैंने बोला था मेरे सब्सक्राइबर्स को रुकने के लिए, सो लेट्स जस्ट सी कहाँ पर है वो सब लोग। हाय सुधीर। हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। यहाँ पर जो दो तीन लोग आने वाले थे उसमें से अभी उन लोगों ने मैसेज किया कि किसी रीज़न के वजह से उनको यहाँ पर आना पॉसिबल नहीं है, बट सुधीर है जो अपने साथ है और आगे से एक और बंदा अपने साथ आने वाला है, क्योंकि वो वहीं पर रहता है तो वहीं पर वेट कर रहा है हमारा। इसीलिए अननेसेसरी किसी को ज़्यादा वेट करवा के मतलब नहीं है, तो मैंने सोचा कि आगे बढ़ते हैं। एंड ब्यूटीफुल वेदर है राइड करने के लिए, एकदम चिल्ड एयर चल रहा है, फॉगी वेदर है। एंड लेट्स कंटिन्यू द राइड। वाओ यार, फॉग तो देखो, एंड अर्ली मॉर्निंग रोड इस एकदम खाली है। बाइक चलाने में कितना मज़ा आ रहा है, काश ऐसा कि मतलब फुल डे हो पाता। सो हेयर वी गो, एक और सब्सक्राइबर मिल गया है एंड हम लोग अभी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रॉब्लम थोड़ा सा हो गया था बीच में, कभी कभी लिंकिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, मैं आगे हूँ मैं पीछे हूँ वैसे, सो यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ा, बट एवरीथिंग गुड टू गो। अभी फ़िलहाल मैंने ग्लव्स नहीं पहने हैं, मैं जल्दी ग्लव्स पहन लूँगा। अभी थोड़ा सा पेट्रोल और ये सब चीज़ में टाइम जाने वाला है। वाह यार, ये क्या है? पावर 99, पावर 99। लेट्स सी। हाई ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल, एक बार डाल के देखते हैं क्या परफॉर्मेंस में चेंजेस आता है। पेट्रोल ऐड करके हम लोग निकल चुके हैं एंड रूल्स मैंने उनको बता दिए हैं, लेट्स होप सो सब चीज़ सही तरीके से रहे। कहाँ पे जाना है वो भी मैंने उनको बता दिया है, फिर इसके बाद बाकी आगे चल के हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक्चुअली शेयर करने से पहले, स्टॉपिंग पॉइंट्स शेयर करने से पहले नेटवर्क ही नहीं चल रहा था, पता नहीं क्या चीज़ है। सो इसलिए सोचा है कि थोड़ा आगे जाते हैं, जैसे ही अभी टोल क्रॉस होगा इसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। इतना फॉगी वेदर है, दिख रहा आपको आगे? कुछ भी नहीं दिख रहा, 100 मीटर तक ठीक है, इसके आगे नहीं दिख रहा। हम लोग अभी पालघर पहुंचने ही वाले हैं, बट इसके पहले मैंने सोचा कि चलो रुक के थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया जाए। तो अभी हम लोग यहाँ पर रुकने वाले हैं फास्ट फूड हाईवे या फूड हाईवे होटल के, यहाँ पे खोपोली वड़ा। वाओ, लेट्स सी, देखते हैं जाकर कि कौन सा सही रहेगा। बट जाने से पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा रुकेंगे, क्योंकि सब्सक्राइबर एक पीछे छूट गया है एंड आई डोंट वॉन्ट कि वो आगे चला जाए।
हाय गाइस, कुछ लगे 60 किलोमीटर चलाने के बाद मैंने सोचा कि एक ब्रेक लेते हैं। एंड ब्रेक में अभी हम लोग यहाँ पे करने वाले ब्रेकफास्ट, जैसे मैंने आपको बताया ब्रेकफास्ट क्या करेंगे वो तो अभी तक डिसाइड नहीं है, लेट्स सी। एंड ये है मेरे सब्सक्राइबर्स। आपका नाम क्या है? अमर। अमर, आप क्या करते हो? राइडिंग ही करता हूँ, जस्ट बिजनेस है, ओन बिजनेस है खुद का। अच्छा, बिजनेस में क्या बिजनेस करते हो? फैब्रिकेशन का। फैब्रिकेशन का, ओके। ऑटो पार्ट्स का भी है। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। माय नेम इज सुधीर। हेलो सुधीर, आप क्या करते हो? मैं हुंडई मर्चेंट मरीन में हूँ, वहाँ पे अकाउंट्स पेबल में जॉब करता हूँ। ओके, सो वो ये अकाउंट में काम करते हैं एंड इनका खुद का फैब्रिकेशन का बिजनेस है। तो फिलहाल अंदर जाके देखते हैं कि क्या क्या मिल सकता है अभी के लिए, एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर आगे राइड कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में मैंने खाया मैसूर मसाला और बाकी मेरे दो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने खाया नॉर्मल मसाला डोसा। टेस्ट काफ़ी अच्छा था, इट्स ओके, मतलब इतना ज़्यादा भी खास नहीं था बट ओके था। एंड प्राइस वाइज भी आप बोल सकते हो कि सही था। अभी बस हम लोग यहाँ से पैक करके निकल रहे हैं, कुछ पिक्चर्स क्लिक किए एंड अभी बस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली यू टर्न लिया है, ब्रेकफास्ट करने आया था, ब्रेकफास्ट हो गया एंड बस यहाँ से अभी जाना है रिटर्न बैक टू होम। सब्सक्राइबर के साथ भी राइड करने का एक अपना अलग ही मज़ा होता है एंड ख़ास करके जब आप उनको ट्रेनिंग देते हो एक चैनल पे। सो लाइक ये चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि आपका सब्सक्राइबर जो आपके वीडियोस देख के बाइक सीखा है एंड अभी वो सही तरीके से बाइक चला रहा है, इससे अच्छा खुशी का बात और कोई भी नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। टोल के वहाँ पे पहुँच चुके हैं एंड पता नहीं आज तो ट्रैफिक दिख ही नहीं रहा, क्या पता फास्ट लेन हो गया शायद इसके वजह से। यूजुअली यहाँ पे पुलिस भी रहता है चेक करने के लिए, आज तो वो भी नहीं। सामने के साइड ट्रैफिक है बट वो इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा लाइक मैंने देखा था या फेस किया इसके पहले। ये रहे मेरे दोनों सब्सक्राइबर्स, एक के पास है यूनिकॉर्न और एक के पास है सुजुकी जिक्सर। तो बस हम लोग अभी इस बार उनको फॉलो कर रहे हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर का घर यहीं पे है तो वो यहीं से टर्न मार के चला गया। ट्रैफिक इतना था कि वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए नहीं मिला बट इट्स ओके, उसको मैसेज कर देंगे हम लोग बाबा इस करके। एंड एक और सब्सक्राइबर है जो थोड़ा सा पीछे है ट्रैफिक की वजह से। सो, इसके बाद मुझे जाना है अभी थाने स्टेशन, तो वहाँ पे जाके कुछ काम है वो कंप्लीट करना है एंड फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे घर पे। एक्चुअली मुझे ये कैमरा का फिल्टर भी लेना है, तो अगर मुझे थाने स्टेशन से मिल गया तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत बार डस्ट और ऐसा सब चीज़ कैमरा को थोड़ा ख़राब कर देता है। सो, अगर वो रहेगा तो बेटर चीज़ है। मेरा दूसरा सब्सक्राइबर ट्रैफिक में किधर छूट गया पता नहीं। सो, कोई बात नहीं, ये ब्लॉग हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, इसके बाद फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।